और सारा भारत में जनगणना जनगणना ईवीएम ईवीएम ये दो मुद्दा बामसाहेब मेसाबसार वजह से नेशनल एजेंडा बन गया। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उस मूर्ख बनाने में भारत की सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। और एक बाबा तो भारत में ऐसा है जो धर्म के नाम पर नहीं, वो व्यापारी है और व्यापार के नाम पर लूट मचाए हुए है भारत में। उसके प्रोडक्टों की जब जांच की गई तो उस बाबा के प्रोडक्ट तो सारे सैंपल फेल है। तो ये केवल सरकार का संरक्षण अगर प्राप्त ना होता तो ये किसी भी हालत में बाबाओं की बाढ़ नहीं आती। और कानून अगर अपना काम 100% इम्प्लीमेंट कर दे तो ये बाबा इस बिल में घुस जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाबा का प्रोडक्शन कंपनी बीजेपी है, आरएसएस अंधविश्वास को पैदा करना ब्राह्मणवाद का लक्ष्य है। अंधविश्वास में रहेंगे इतना फायदा बीजेपी कांग्रेस को होगा। एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल बनाने को पैसे मंजूर नहीं करते। फिर बाबा आश्रम बनाया, एक मंदिर बनाया, उसके लिए 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ गवर्नमेंट इमीडिएटली सैंक्शन कर देती। स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से हमको कुछ फायदा नहीं है। आश्रम से, मंदिर से, बाबाओं से बीजेपी की बनवादी की फायदा। जेल में गए हैं, चाहे वो गुरमीत राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, ये सैकड़ों नारायण साईं निर्मल बाबा ओम बाबा ये इच्छाधारी अपने आप को बताते हैं। अगर इनके पास कोई शक्ति हो तो फिर इनके ये जेल से अपने आप को निकाल नहीं पाते थे। इन बाबाओं ने हमारे मूलवासी बहुजन समाज के दिमाग पर ऐसा ताला लगा दिया है, अंधविश्वास और पाखंड के द्वारा उन्हें ये विश्वास दिला दिया है कि ये कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर विज्ञान की जगह चमत्कार पर विश्वास जो करते हैं वो अंधविश्वासी होकर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और फिर जब रेप और हत्या जैसी घटनाएं होती है तब उनको समझ में आता है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो भारत में जो बाबा है उनकी दुकान सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि वो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उस मूर्ख बनाने में भारत की सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। और एक बाबा तो भारत में ऐसा है जो धर्म के नाम पर नहीं, वो व्यापारी है और व्यापार के नाम पर लूट मचाए हुए है भारत में। उसके प्रोडक्टों की जब जांच की गई तो उस बाबा के प्रोडक्ट तो सारे सैंपल फेल है। तो ये केवल सरकार का संरक्षण अगर प्राप्त ना होता तो ये किसी भी हालत में बाबाओं की बाढ़ नहीं आती। और कानून अगर अपना काम 100% इम्प्लीमेंट कर दे तो ये बाबा इस बिल में घुस जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अंधविश्वास का ताला बहुजन समाज को खोलना होगा। और बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कानून का 100% इम्प्लीमेंट करते हुए एक बाबाओं की दुकान को तत्काल बंद किया जाए। और जो भी अंधविश्वास और पाखंड को फैलाएगा उसकी जगह सही जगह जेल है। अगर जो बाबा बाहर घूम रहे ना, इन बाबाओं की सही से जांच की जाए तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे जेल में चले जाएंगे, इतने बड़े अपराधी हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट 4-5 दिन पहले एक जजमेंट दिया था, पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं मालूम। मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आसाम बाबा का आश्रम में जाके नागरिक का 2 बेटी जाके सन्यासी बन गए। बहुत हाईली एजुकेटेड दोनों बेटी। वो आसाम बाबा बोल रहा मैरिज नहीं करना, मेरे को सेवा करना, आसाम में नहीं रहना। मगर वो आसाम बाबा का 2 बेटी को बाहर पढ़ाया, ग्रेजुएटेड कराया, शादी भी कर दिया। दूसरे का बेटी मैरिज नहीं करना, पढ़ाई नहीं पढ़ना, आश्रम में रहना, सन्यासी बनना। और ब्राह्मण का बेटी आश्रम में नहीं रहना, बाहर जाकर पढ़ाई पढ़ के शादी करा दिया। मद्रास कोर्ट उसको वार्निंग भी दिया। तो बाबा बहुत खतरनाक है। हरियाणा कल स्टेटमेंट आया, हरियाणा इलेक्शन में ये डेरा बाबा इलेक्शन के पहले बाहर आया, कैसा आ गया भाई? ये लोग हमारा लोग अंधे लोग है, अनपढ़ लोग है, गवार लोग है, उनको बाबा बोले तो वोट देते बीजेपी। इसलिए बाबा का प्रोडक्शन
कंपनी बीजेपी है, आरएसएस है। कितना 6000 जाति में डेली बाबा का दया करते रहती बीजेपी, डेली। वो बाबा भी कैसा है, हमारे आजू बाजू गांव में उसका नाम नहीं लेता मैं, अनपढ़ है, गवार है, बाबा बनने वाले। वो कोई कूली करते थे, मजूरी करते थे, दारू पीते थे, गोवा खाते थे, आवारा है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा लोग बाबा बन गया। उनके पास हम जाके देखो 50 लाख का कार है, 15-15 एकड़ का जमीन है, डेली सैटरडे संडे 1500 लोग आते, मजदूरी करके 1000-2000-5000 रुपए देते। अंधविश्वास से ये बाबा अज्ञा क्या है, अंधे अंधविश्वास का तरफ है। अंधे अंधविश्वास को पैदा करना ब्राह्मणवाद का लक्ष्य है। कितना अंधे अंधविश्वास में रहेंगे इतना फायदा बीजेपी कांग्रेस को होगा। इसलिए बाबा बहुत बदमाश है, बाबा को हटा रहा है, बाबा का वजह से बीजेपी पार्टी पावर में है। अक्टूबर 6 तारीख को महाराष्ट्र में एक बाबा का सम्मेलन किया, मोदी का, हमारा तेलंगाना आंध्र कर्नाटक से हजारों बाबा अटेंड हुए, अलग अलग पार्टी में बाबा, पर बीजेपी मीटिंग में आया। वो बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाले बाबा एक बहुत बड़ा डेंजर है। वो लोग आरएसएस का बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाले है बाबा लोग, इसलिए बाबा को बहुत बड़ा। अब सुबह हमारा गांव के पास एक बाबा मंदिर बना है, उसका बाद पैसा नहीं है, वो 500 गज रजिस्ट्रेशन कराया, एंडोमेंट डिपार्टमेंट है ना, भगवान का डिपार्टमेंट, उसे 1 करोड़ रुपया मंदिर बनाने को गवर्नमेंट मंजूर किया। एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल बनाने को पैसे मंजूर नहीं करते। एक बाबा आश्रम बनाया, एक मंदिर बनाया, उसके लिए 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ गवर्नमेंट इमीडिएटली सैंक्शन कर देती। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से हमको कुछ फायदा नहीं है, आश्रम से, मंदिर से, बाबाओं से बीजेपी की बनवादी की फायदा है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे मंजूर कर रही है और अंधविश्वास में रखने का कोशिश कर रही है बीजेपी। इसलिए ये ब्राह्मण लोग मेरे बारे में, हमें इलेक्शन में गया, एक बाबा का एक कांडा में गया, अरे दासराम जी को बच्चे नहीं हो रहे थे, वो एरिया में मैं जिला परिषद था, सरपंच था और आंदोलन का लीडर था। वो बाबा क्या करा, मेरे गांव से 20 किलोमीटर के दूर जाके कांडा में भाषण दिया, दास राम को बच्चे नहीं थे, मैं नींबू दिया जब बच्चे पैदा हुआ तो वो बात मेरा पास आया, मेरा मैडम शांति वो बाबा को बुलाया, अरे तेरा एक बेटी क्या लग रही है, तेरा एक बेटी घूमे है, उसको सीधा नहीं करा, हमको बच्चे के लिए नींबू दिया, अरे तू इसके पीछे एक मकसद है, दासराम साहब का बड़ा नाम है, ये दासराम का नाम लेकर बोलूंगा, नींबू से जो बच्चा हो जाएगा बोलूंगा तो हर ताना में भी बच्चे के लिए मेरे को दक्षिण मिलेगा, उसका मकसद है, उसका मकसद है। इसलिए बाबा बहुत बदमाश है, बाबा समाज, बाबा को हटाना है हमारा समाज को, वो क्या बाबा के क्या व्यभिचार केंद्र है, वो दो 4-5-10 लड़की को व्यभिचार करने वालों, 100-100 लड़की को व्यभिचार करते, वो क्या है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने बोला ना, मंदिर ब्राह्मणों का फैक्ट्री है, आश्रम ब्राह्मणों का फैक्ट्री है, कमाई का फैक्ट्री है, ये बाबा का विषय। सेकंड, हम लोग इलेक्शन में गया, संविधान के बारे में, राहुल गांधी के बारे में बोलूंगा मैं, हम इलेक्शन में जा रहे तो हमारा लोग आदिवासी लोग बोल रहे, बंजारा लोग बोल रहे, अरे बीजेपी संविधान हटा रहे कहते ना, रिजर्वेशन निकाल जा रहे कहते ना, आप लोग कहीं बीजेपी के खड़ा हो रहे, तो मैं बोला देखो भाई कांग्रेस पार्टी का आपका बाप बना है, मेरा दादा बनाया, तेरा दादा बनाया, नहीं बनाया, कौन बनाया, बाबा बनाया, पांडे में आदिवासी ब्राह्मण नहीं आया ना,
उनका घर ही नहीं आया ना, मैं बोला तेरा घर पे कांग्रेस झंडा है, बीजेपी का झंडा है, वही ब्राह्मण है, तेरा जेब में फूल का सिंबल है, हाथ का सिंबल है, निशान है, वही ब्राह्मण है। हाथ का निशान का रूप में, फूल का निशान का रूप में, आपके घर में, आपके जेब में, आपके बंगला में झंडा, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण दिखना क्या, ब्राह्मण पाने से ब्राह्मण का सिंबल आपके घर में आ रहे, आपका दिमाग में आ रहे। ब्राह्मण कभी ब्राह्मण होता वो संविधान कैसा बचाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर 1932 अगस्त 17 में हमको आजादी दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को कौन हटाया? SC ST को आजादी मिल गई थी 1932 में, राउंड टेबल कांग्रेस में बाबा साहब अम्बेडकर हासिल कर दिया था, उसका विरोध में कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण किया नहीं किया? किया। अभी संविधान का बात कर रहा, अभी रिजर्वेशन का बात कर रहा, बाबा साहब अम्बेडकर को राउंड टेबल कांग्रेस में परेशान करने वाले कांग्रेस ब्राह्मण ही थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को इंडायरेक्टली मर्डर करने वाले भी कांग्रेस का ब्राह्मण ही है। वो लोग अभी संविधान का बात कर रहे, शेर कभी शाकाहारी नहीं बन सकते, शेर कभी टाइगर कभी शाकाहारी नहीं बन सकते, कांग्रेस का ब्राह्मण कभी बहुजन का शब्द यूज कर रहे राहुल गांधी, वाह कितना परिवर्तन हो गया भाई राहुल गांधी, बहुजन का शब्द यूज करा तो उसको मालूम है देश में बहुजन जागृत हो रहे हैं और बहुजनों का एजेंडा चल रहे हैं, बहुजन शब्द यूज करने से आपको वोट मिलेगा, उसका षड्यंत्र है राहुल गांधी का। राहुल गांधी बहुत चालाक है, तेलंगाना कर्नाटका आंध्र में हम सेंसस जनगणना जनगणना कास्ट सेंसस करके बोलते वोट दिया, सरकार करके 6 महीने हो गया, तेलंगाना आंध्र कर्नाटका में अभी तक जाति जनगणना का मुद्दा नहीं हो रहा, बाकी चुप कर दिया सरकार। हम लोग डेली मांग रहे, डेली ओबीसी का पिछड़े का आंदोलन डेली लगातार चल रहे हैं, मगर सेंसस का बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक कर्नाटका आंध्र तेलंगाना में, फ्यूचर में भविष्य में भी महाराष्ट्र में भी ऐसा बोलेगा, महाराष्ट्र का भूमि साहू महाराज बीमा करेगा, बाबा साहब का भूमि है, मेहसाब साहब का भूमि है, और महाराष्ट्र में राहुल गांधी आकर बामसेब का एजेंडा बात करेगा, आप लोग हैरान हो जाएगा, वो फिर बाबा साहब आ गए राहुल गांधी रूप में पूरे बाबा साहब आ गए क्या? ऐसा भी राहुल गांधी चमत्कार करेगा, ब्राह्मण बहुत हुशियार है, इसलिए महाराष्ट्र में और सारा देश में आने वाले समय में कांग्रेस संविधान का नहीं बचा सकती, उसका फेवर में है, पार्लियामेंट में सबूत होगा है, इसलिए संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आगे बढ़ेगा, और बहुजन मुक्ति पार्टी आप वोट दो सूत्र, बीएनपी के विधायक के पास पार्लियामेंट के मेंबर के पास पैसा नहीं है, हम कैसा इलेक्शन में खड़ेंगे, ये बहुत राम डिसीजन है, कैसा है भाई, आप 5 करोड़ डालेंगे, कांग्रेस 20 करोड़ डालेंगे, हम 20 करोड़ जमा कर लेंगे, वो 100 करोड़ डालेंगे, पैसे से कभी इलेक्शन नहीं हो सकता, मेरा अनुरोध से बोल रहा हूँ, विचारधारा और बूथ कमेटी, विचारधारा एक बड़ा हथियार है, और बूथ कमेटी निर्माण करना, ये दो करने से हम इलेक्शन में रिजल्ट ला सकते, आप लोग हमको पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हम पार्टी नहीं बढ़ा सकते, ये गलत है, पैसे से पार्टी नहीं बढ़ती, पैसे से उल्टा लड़ाई झगड़ा हो जाती, भाग जाते लोग, टूट फूट हो जाती, दो लोग भाग गया, दोनों भी टूट फूट हो गए, एजेंडा पैसे था, मैं अनुभव से बोल रहा, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी केजरीवाल यहाँ भ्रष्टाचार का एजेंडा उठाया सक्सेस हुआ, मान्यवर कांशीराम बहुजनों का एजेंडा उठाया, 4 बार यूपी में गवर्नमेंट सरकार बनाया, हम लोग भी बहुजन मुक्ति पार्टी 12 साल हुआ भाई
कांग्रेस आजादी के पहले 50 साल आंदोलन किया, जब पावर में आया बीजेपी आरएसएस 100 साल संगठित शक्ति बनाया, जब अभी पावर में आया हम लोग 12 साल हो गया, निराश हो जाते, 12 साल छोटी टाइम है, बहुत कम टाइम है, विचारधारा बहुत खतरनाक है। आज सारा भारत में जनगणना जनगणना ईवीएम ईवीएम ये दो मुद्दा भामसेव मेहसाब साहब वजह से नेशनल एजेंडा बन गया, भारत क्रांति एजेंडा बन गया। हर एक अलग अलग राज्य में हर एक रिलीजन भाषा में डेली मेहसाब साहब का स्पीच और बात तेलुगु में, कन्नड़ में, केरला में, मलयालम में, हर एक जाति में चल रहे हैं। ब्राह्मण लोग डर गए हैं, इसलिए डर के मजबूरी से कांग्रेस पार्टी हमारा एजेंडा उठा रहे हैं, डर के मजबूरी से, हमारा हित के लिए नहीं, हमारा विकास के लिए नहीं, वोट चोरी करने के लिए राहुल गांधी संविधान उतार रहे हैं। ये समझ लेना, जागरूक होना, मेरे को मौका मिला। जय भीम निवासी, जय भीम।